नेता वाली बात अलग हो गई। हाँ हाँ मैं क्या हरियाणा में जाट आरक्षण देना, हुड्डा साहब का जाट आरक्षण लागू करना क्या सही कदम था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पार्ट टर्म टू था, जो जी टर्म टू की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने अंतिम जो उनका दौर था सरकार का जी, उसमें जाट आरक्षण दिया जी। जाट आरक्षण का मामला कोर्ट में गया जी, कोर्ट में आरक्षण को अमान्य कर घोषित, अमान्य घोषित हो गया जी। मनोहर लाल सरकार तब तक बन चुकी थी जी। सुरजेवाला जी, लोकसभा चुनाव जो हुआ जी वो सीधा था कांग्रेस और बीजेपी, यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए जी। एनडीए में हरियाणा में अकेले बीजेपी और इंडिया में आम आदमी पार्टी साथ जुड़ गई थी उनके, वो एक सीट पर गठबंधन था चलो जी। विधानसभा चुनाव में भी क्या ये मुकाबला सीधा होगा या फिर इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी या उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी या वो भीम आर्मी चंद्रशेखर वाली, आजकल वो भी बल्ले बल्ले में है दलितों को लेकर, तो क्या लगता है कि सीधी फाइट होगी या ये फैक्टर बनेंगे? बिल्कुल सीधी होगी, कोई बीच में नहीं आएगा। जेजेपी का क्या भविष्य समझते हैं? बिल्कुल नगण्य इस वक्त तो उनको। सुरजेवाला जी, तीन सीटें आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा में जी जीती हैं, विनिंग रहे हैं तीन विधानसभा की सीटों के जी, जी। आम आदमी पार्टी का प्रभाव हरियाणा में मुझको पूछ बनेगा है या वो कांग्रेस की वजह से सीट वोट मिले उनको? कांग्रेस की वजह से, एकदम कांग्रेस की वजह। अपना कोई प्रभाव नहीं होगा? ना कोई प्रभाव। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दूसरी तरफ एक गुट था SRK जी, शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी जी। किरण चौधरी शहीद हो गई। अब शहीद हो गई या छोड़ गई, शहीद ही कहेंगे नहीं, अब आप उसको, उस गुट को जो है ना SRB कह सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा का लोकसभा चुनाव होने के बाद, लोकसभा चुनाव तो पूरे देश का हुआ लेकिन हरियाणा की मैं बात करूंगा इसलिए आपसे हरियाणा का जिक्र कर रहा हूं। 5-5 लोकसभा की सीटें भाजपा और कांग्रेस को मिल गई। लोगों की नजर अब पूरे देश के लोगों की नजर जो राजनीति में रुचि रखते हैं इस बात पर है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा में क्या होगा, विधानसभा चुनाव, क्योंकि अगले 90 दिन में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव में कौन भारी रहेगा, कौन हल्का रहेगा, किस करवट ऊंट बैठेगा या ऊंट अपनी करवट कहां बदलेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से हैट्रिक बनाते हुए सत्ता में आएगी या अब की बार कांग्रेस रोक देगी भाजपा के रथ को, ये तमाम सवाल हैं। क्योंकि जब 5-5 सीटें दोनों को मिल गई, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 5 कांग्रेस ने जीत ली, तो उसके बाद से ये सवाल और बड़ा हो गया कि विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा के दिल में क्या है। इन कुछ बातों को लेकर, कुछ सवालों को लेकर और कुछ जिज्ञासाओं को लेकर मैं आपके साथ मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं, आप पुराना पहले देखते रहे हैं, देवेंद्र सुरजेवाला जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि को बड़े पास से जानते हैं और पंचायत विभाग के अंदर डायरेक्टर रहे हैं। सुरजेवाला जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। 5 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और 5 सीट कांग्रेस ने जीत ली जी। ना किसी को खुशी ना किसी को गम, ऐसा ही समझ सकते हैं? देखने को तो यह आया कि दोनों तरफ से खुशियां बढ़ रही है। कांग्रेस के लोग भी ज्यादा खुश हैं और बीजेपी वाले भी खुश हैं। दोनों खुश हैं, चलो दोनों खुश हैं। कांग्रेस को ये पहली बार हो रहा है, कांग्रेस को खुशी ये कि चलो 5 कमा ली हाँ, और बीजेपी खुशी ये चलो 5 बचा ली 5 बचा ली, यही हुआ। यस, 5 बचा ली और 5 कमा ली, फैक्ट बात है जो मैं आपसे कह रहा था कि दोनों फील गुड हैं। बिल्कुल। सुरजेवाला जी, विधानसभा को लेकर के क्या देख रहे हैं? देखिए, पीछे जो अब तक का होता रहा, पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब भी पार्लियामेंट का चुनाव, पिछले कई अरसा से ये हो रहा है कि उसके बाद में विधानसभा का चुनाव हरियाणा विधानसभा का होता रहा है, तो जो पार्लियामेंट में जो रिजल्ट आते हैं केंद्र में जो चुनाव के, कमोबेश वो एक झलकी होता है, वो इशारा जरूर करता है भी आपने जैसे कहा कि ऊँट किधर बैठने की कोशिश कर रहा है, उससे ये मालूम तो जरूर थोड़ा सा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। बाकी तो लोगों का अपना फैसला होता है, वो तो स्थानीय मुद्दे, वहाँ वो दूसरे मुद्दे होते हैं जी, लेकिन फिर भी इस बात का एक रुझान हमें मालूम चल जाता है। पर एक बात देखें, अगर अब की बार जो चुनाव हुआ था केंद्र का जी, सांसद के लिए जो चुनाव हुआ जी, जी, मुझे लगता है वो भी लोकल मुद्दों पे ज्यादा हुआ। नहीं, मुद्दे उठे हैं केंद्रीय, मुद्दा कुछ है ही नहीं। अग्निवीर मुद्दा लोकल था, मैं तो लोकल मुद्दा समझता हूँ उसको।
नहीं, लोकल तो नहीं है, अग्निवीर तो देखिए नेशनल मुद्दा है, बट इफेक्ट उसका हरियाणा में ज्यादा है। देखिए लोकल मुद्दा यूं कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये ज्यादा प्रभावित अग्निवीर वाले मामले हाँ है। अब यूं तो कृषि का भी मुद्दा तो था तो राष्ट्रीय, लेकिन हरियाणा और पंजाब फिर ज्यादा वो प्रभावित करता है, तो वही चीज आ गई ना। इसके अलावा लोकल मुद्दे आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के अंदर भी मोदी के साथ साथ पैरलर चलाया, पर्ची खर्ची के बिना की सरकार भाई हमारी थी, या जो हरियाणा की योजनाएं थी वो भी साथ साथ चलाई। और इधर दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने प्रचार किया वो किया कि हमारी सरकार आएगी तो पोर्टल बंद कर देंगे सारे, तो ये लोकल मुद्दा था। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जहाँ तक मैं ये देखता हूँ कि भाजपा के पास ऐसा केंद्रीय मुद्दा ऐसा था भी क्या जो वो मोदी नहीं, मोदी अकेला क्या, मोदी मोदी कुछ करे जब तो मोदी, वरना अकेला मोदी पर क्या मोदी। बात तो ये है ना, अब लोगों ने तो जो मोदी फैक्टर था वो पहले तो यही था कि भाई अच्छे दिन, महंगाई पे काबू होगा, काला धन वापस आएगा और इकोनॉमी में बढ़े चढ़त मिलेगी, और वो सारे मुद्दे कुछ ऐसा है कि वो निष्क्रिय से नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसा आपने कहा अग्निवीर, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये ज्यादा प्रभावित कर रहे थे। पहले यूथ, दो चुनाव 1914 में, 2014 और 2019 दोनों चुनाव में यूथ ने बड़ा भाग लिया था और बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, लेकिन इस बार यूथ में कोई नाराजगी थी, तो इस वजह से इफेक्ट तो होता ही है आदमी के ऊपर। तो ये बात तो थी सही के भाई स्थानीय मुद्दे भी जुड़े हैं। सुरजेवाला जी, लोकसभा चुनाव जो हुआ जी वो सीधा था कांग्रेस और बीजेपी, यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए। जी हाँ जी, एनडीए में हरियाणा में अकेली बीजेपी और इंडिया में आम आदमी पार्टी साथ जुड़ गई थी उनके। हाँ, वो एक सीट पर गठबंधन था। चलो जी, विधानसभा चुनाव में भी क्या ये मुकाबला सीधा होगा या फिर इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी या उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी या वो भीम आर्मी चंद्रशेखर वाली, आजकल वो भी बल्ले बल्ले में है दलितों को लेकर, तो क्या लगता है कि सीधी फाइट होगी या ये फैक्टर बनेंगे? बिल्कुल सीधी होगी, कोई बीच में नहीं आएगा। आधी सीट पे INLD कोई फैक्टर नहीं। INLD एक सीट पे, जैसे कि पीछे कुरुक्षेत्र में थी, यूं तो वो इलाहाबाद या एक आध सीट पर हो सकती है। मैं नहीं मानता 5 सीट से ज़्यादा INLD का कोई प्रभाव ज़्यादा रहेगा, और वही 5 सीटों पर उन्होंने अपना टिकट का जो है ना फैसला भी अभी सुना भी दिया है। कौन सा 5 सीटें कौन सी समझे? यमुनानगर है आपके, हाँ। इलाहाबाद है, रादौर है, और एक मेरे ख्याल ये भी हो, रामपाल माजरा वाली होगी कलायत। हाँ, कलायत भी हो सकती है। हथीन वाली हो जाएगी तैयब हुसैन भीम सिंह। हाँ, वो भी करेंगे, अभी तक तो नहीं की वो भी इनके, मुझे लगता है कि नहीं, नहीं, वो देंगे पूरे जो साउथ हरियाणा में अगर मैं समझूं। हाँ, मुझे लगता है हथीन ही ज्यादा फेवरेबल है उनके। हाँ बिल्कुल है, हथीन है, या 3 सीटों पे वो रखेंगे अपने। मेवात वाली सीटों पे मुझे लगता नहीं इतना, पर हथीन में जो हथीन पे वो रखेंगे, तैयब हुसैन का थोड़ा सा रहा है। चलिए हाँ, क्योंकि वो कैंडिडेट भी मजबूत रहा है। जेजेपी का क्या भविष्य समझते हैं? बिल्कुल नगण्य इस वक्त तो उनको। 2019 के चुनाव से पहले सुरजेवाला जी, जी मुझे लगता नहीं था कि जेजेपी कहीं भी है। नहीं सुनिए, हम ऐसा बताते हैं ना, देखो जो उपचुनाव हुआ जींद वाला, हिसार का लोकसभा चुनाव हुआ, उसके अंदर जेजेपी ने प्रदर्शन तो ठीक किया अपना जी, लेकिन वो केवल दुष्यंत और दिग्विजय वाला फैक्टर था। नहीं देखिए, ऐसा है कि इनेलो जो थी वो जेजेपी में कन्वर्ट होती जा रही थी। देखो जेजेपी के जो एमएलए बने जींद का उपचुनाव का आपने जिक्र किया, जींद के उपचुनाव में दूसरे नंबर पे गए, दूसरे नंबर पे थे। हाँ, और उन्होंने काफी अच्छा चुनाव लड़ा, ये तो हुआ। और फिर सोनीपत से भी उन्होंने, दिग्विजय ने 50,000 वोट थी बस। नहीं नहीं थी, लेकिन चुनाव तो लड़ा। हाँ, चुनाव लड़ा इनेलो, या और तीसरी कोई पार्टी नहीं उभर कर आ रही। और फिर इन्होंने एक 19 में जो विधानसभा के अंदर जो इन्होंने टिकट दिए, मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग जिनको टिकट नहीं मिली, हाँ वो मजबूत कैंडिडेट थे। मजबूत कैंडिडेट थे, जोगी नाम से हाग मजबूत कैंडिडेट थे, रामकुमार गौतम मजबूत, हाँ देवेंद्र बबली मजबूत कैंडिडेट थे, रामकुमार काला थे, रामकृष्ण, ईश्वर सिंह गुला में, अभी 5 तो यही गिनती हमने सारे बाहर से आए। ये तकरीबन जितने भी विनर है ये लगभग सारे विनिंग प्रोस्पेक्टस इनका बहुत बेहतरीन था। जेजेपी को इन्होंने ही फायदा दिया, जेजेपी का भी इनको ठीक है वोट बैंक मिल गया होगा, उसको भी मिला फायदा। क्या अब जो चुनाव होगा जी, देखो हर विधानसभा सीट पे कांग्रेस के अंदर 2-3-4-5 कैंडिडेट हैं।
जी, एक को टिकट मिलेगा, मिलेगा हर विधानसभा सीट पे। बीजेपी के पास भी दो तीन चार चार पांच पांच तक कैंडिडेट हैं, बिल्कुल एक को टिकट मिलेगा जी, भागदौड़ अब भी होगी। हाँ, मुझे लगता है कि ये लोग भागदौड़ करके वापस दुष्यंत चौटाला की पार्टी में जाएंगे। नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के बजाय जेजेपी सॉफ्ट रहेगी जो लोगों के लिए, जो कैंडिडेट बनना चाहेंगे उनके लिए। ऐसा है कि इस वक्त कोई उनका भविष्य इस चुनाव में तो नजर आ नहीं रहा। 2029 में हो सकता है कि वो दोबारा से वापस आ जाए, लेकिन फिलहाल नहीं। तीन सीटों इस वक्त उन्होंने अपना जो था ना, क्योंकि जेजेपी का जो आप कह रहे हो प्रभाव कह लो या वर्कर कह लो, तो वो आपका जो है सिरसा, हिसार, जींद, कैथल, वो जो एक क्षेत्र है वही ज्यादा है निराशा में फिलहाल तो। और वहाँ पर इस वक्त उनके प्रति अभी भी गुस्सा और नाराजगी लोगों कायम है, कायम। उचाना देख लीजिएगा, उचाना में 4200 वोट मिले, 4200 वोट मिले हैं नैना को, नैना को उस वक्त, और इन्हें लोग 3900 मिले हैं। इससे तो सबसे बेहतरीन जो है ना सिरसा में संदीप लोट ही बेहतर रहे। हाँ, जो, अच्छी जो सबसे ज्यादा वोट मिली हरियाणा में। अगर कोई दूसरे दल का, तीसरे दल का, कांग्रेस बीजेपी के बाद तो बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा वोट लिए हैं तो इनेलो का संदीप लोट, इनेलो का संदीप लोट ने सिरसा में लिए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जबकि मैं कमजोर कैंडिडेट समझता था बहुत उसे। हाँ, वो बिल्कुल नए कैंडिडेट, और वो अभय चौटाला से ज्यादा वोट ले लिए, बिल्कुल लिए हैं। मैंने कहा ना सबसे ज्यादा। सुरजेवाला जी, तीन सीटें आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा में जी जीती हैं, विनिंग रहे हैं तीन विधानसभा की सीटों के जी, जी, जी। आम आदमी पार्टी का प्रभाव हरियाणा में कुछ बनेगा है या वो कांग्रेस की वजह से सीट वोट मिले उनको? कांग्रेस की वजह से, एकदम कांग्रेस की वजह से। अपना कोई प्रभाव नहीं उनका? ना, कोई प्रभाव नहीं। हरियाणा के 90 सीटों में क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर? इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का अगर किसी शहर में फरीदाबाद जैसे में थोड़ा बहुत मान भी लेते, किसी एक सीट पे मान भी लेते हैं, वहाँ नहीं है। मतलब आप क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहीं स्टैंड करेगी? ना, कहीं बिल्कुल। इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी में सबसे ऊपर कौन इस वक्त अगर सिरसा की बात करें तो इनेलो बैठा रहा। मतलब इन तीनों में, यानी कि तीसरी शक्ति हरियाणा की इनेलो, शक्ति कह लो या जिसको मतलब, मैं नहीं मानता कि दो या तीन से ज़्यादा कोई उनके भी MLA चुनाव जीत पाए, तो वो इनेलो के तो हो सकते हैं जी, जिनका प्रोस्पेक्टस नजर आता है दो तीन सीट, बाकी तो किसी का नजर ही नहीं आ रहा। चले, कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा आमने सामने का मुकाबला सामना होगा। कांग्रेस के अंदर एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दूसरी तरफ एक गुट था SRK जी, शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी जी। किरण चौधरी शहीद हो गई, अब शहीद हो गई या छोड़ गई, शहीद ही कहेंगे नहीं, अब आप उसको, उस गुट को जो है ना SRB कह सकते हैं। तो बी में कौन से हो गए? SRB वीरेंद्र सिंह, तो एक फिर कैप्टन भी जोड़ लो उसके अंदर, कैप्टन अजय यादव। कैप्टन तो पहले भी थे, लेकिन अगर यूं तो जोड़ोगे तो बहुत बड़ा ग्रुप हो जाएगा वो। अच्छा, SRK से SRB कर दें। थिंक टैंक कौन इन तीनों में? अब थिंक टैंक तो तीनों ही है, चौधरी वीरेंद्र सिंह क्यों एक कम वो समझते हैं आप? वीरेंद्र सिंह, हाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बहुत सुलझे हुए और बहुत पुराने बड़े नेता हैं, और उनकी विचारधारा, सोच, वो तो उसका कोई शानी नहीं है इसमें। आपको क्या लगता है, हुड्डा गुट हावी रहेगा कांग्रेस में या SRB? आपने जो अपना नाम दे दिया, देखिए ये पार्टी के अंदर ये ग्रुपबाजी और ये तो धड़ेबंदी तो हमेशा ही रही है, हमेशा रहती है, जब घर में भी रहती है, घर में भी रहती है। एक परिवार के अंदर जिसमें चार बेटे हों तो उसमें भी गुट बनता है, दो बेटे हों तो भी गुट बनता है। ये देखिए जब से कांग्रेस बनी, नरम दल गरम दल हमेशा रहता है हर पार्टी में, उसके बाद हमने बीजेपी में देख लो, नहीं कैप्टन अभिमन्यु, राम विलास शर्मा, राव इंद्रजीत, कृष्ण पाल गुर्जर, अनिल विज, सबके अपने अपने रास्ते हैं। हाँ, वो दरअसल फर्क इतना आ जाता है, जो सत्ता में होते हैं ना वहाँ सत्ता का डर या लालच या लोभ, उसकी वजह से उसको थोड़ा सा दब जाता है जी। और राव इंद्रजीत को देख लीजिएगा, अब पीछे जब बैठक हुई है रोहतक, वो नहीं गए बिल्कुल। वो तो राव इंद्रजीत तो राजा साहब हैं जी, जहाँ मोदी और अमित शाह से नीचे कहीं जाते ही नहीं वो। हाँ, ये भी मोदी और अमित शाह आ रहे हो, या तीसरा नितिन गडकरी उनके मित्र हैं, इसके अलावा कहीं जाते ही नहीं। मित्र के अलावा उनको पता है कि भी वहाँ से वो झंडी हिलती है, तो उसे पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। लेकिन मुझे अब ये भी एहसास होने लग रहा है कि पहले वो खट्टर साहब से जब भी कोई
बैठक या चुनावी सभा या कोई मीटिंग या कभी भी कोई पब्लिक मीटिंग हुई है, रैली हुई है यहाँ तक, उसमें वो जरूर उलझने की कोशिश की। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो उलझेंगे। अच्छा, अब शायद नहीं, अब नहीं उलझेंगे, मेरे को नहीं लगता अब नहीं उलझेंगे। मतलब क्यों, क्या मनोहरलाल पावरफुल हो गए और ज्यादा मेरे से? देखिए, आप जिस दिन मनोहरलाल जी ने अपना पद त्याग गया मुख्यमंत्री का तो हर कोई ये कह रहा था इस आदमी ने जो ना भाजपा को काफी सत्तर को नीचे ले गए, इनका जो शासन था वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, और हरियाणा में इन्होंने एक किस्म का लुटिया डुबो दी। तो लोगों ने ये भी कहा कि अब ये केंद्र में अगर चर्चा चली थी कि इनको शायद भाजपा का अध्यक्ष बना दें, तो बहुत सारे लिखा भी और कहा भी कि हरियाणा में लुटिया डुबोई तो अब देश में डुबो। मगर जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ और उन्होंने जीत दर्ज की और केंद्र में मंत्री पद का जो ना पद लिया, सातवें नंबर पर होत हुई। हाँ, होत हुई, और उसके बाद उनका कद में निखार आया। पावर मिनिस्ट्री जो बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है। नहीं, तीन डिपार्टमेंट है। अच्छा, एक बात और है सुरजेवाला जी, आज उनका कद हर कोई देखिए, उनका दुश्मन भी आज उनकी बुराई नहीं करता। हरियाणा के अंदर कहीं बात कर लो आप जी, जब लोकसभा का चुनाव हुआ जी तो मनोहर लाल के हिसाब से टिकटें बटी। हाँ, आप देखो रंजीत चौटाला, नहीं उनके हिसाब से बटी बिल्कुल, आप चाहे किसी का नाम ले या ना, नहीं यार, अगर विधानसभा की अब चर्चा करें हाँ, तो लोग सीधा कहते हैं कि मनोहर लाल जो चाहेंगे वो होगा। बिल्कुल है, नायब सिंह सैनी भले ही चेहरा घोषित हो गया, मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया, उनका ही बनाया हुआ है, आगे कोई मानता है। कांग्रेस पे आते हैं वापिस, सुरजेवाला जी क्या लगता है, हुड्डा प्रभावी होंगे या SRB? देखिए, हुड्डा साहब एक 10 साल करीब मुख्यमंत्री रहे हैं, CLP के लीडर हैं, और उनका निश्चित तौर पर प्रभाव है, और हरियाणा में, अब हरियाणा में पूरे में घूम रहे हैं आजकल। हाँ, क्यों ना, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं पूरे में उनके, वो CLP लीडर हैं और मुख्य वो है, नेता है इस पार्टी के, तो उनका बनता है, और उनका जो प्रभाव है निसंदेह, उनका कद बहुतों से काफ़ी ऊंचा है, और उस बात का एहसास सभी को है, आम जनता भी इस बात को महसूस करती है कि भाई उनका जो शासन रहा उसको याद भी करते हैं लोग, उनसे जुड़े हुए भी हैं, और उनका फॉलोइंग भी है पूरे हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पर, 90 विधानसभा सीटों में 90 की 90 फॉलोइंग उनकी है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जो बन जाता है या पार्टी प्रेसिडेंट बन जाता है, फॉलोइंग तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले यही हुड्डा साहब थे जिनके रोहतक में भी फॉलोइंग नहीं थी। जिस मुझे अच्छी तरह याद है, जिस वक्त ये प्रधान बने कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के, लोगों ने कहा कि वो तो रोहतक तक सीमित है, लेकिन जैसे ही प्रधान रहे, मुख्यमंत्री रहे, CLP लीडर, तो फॉलोइंग बढ़ जाती है। बंसीलाल जी हो, कोई भी हो, मनोहर लाल जी हैं। हाँ, बिल्कुल। अब वही मनोहर लाल जी का 3 महीने में ऐसे क्या सुरख के वो लग गए हैं पंख, जो ये कह रहे थे लुटिया डुबो दी, आज उन्हीं के पीछे लोग कहते हैं भाई बड़े सुलझे हुए हैं। हाँ, यही है। और बड़े नेता हैं। हाँ। और किरण जी भी आज उनके पीछे, नहीं, उनके गीत गाती हैं, बड़े भाई हैं, यशस्वी हैं, बड़े मेरे बड़े भाई, बहुत उनके मार्गदर्शन में उनके गीत। अब मैंने एक बात ये पूछ रहा हूँ, अगर किरण जी ने मनोहर लाल जी के गीत गाने थे तो पहले हुड्डा साहब के गा लेते, तो क्या बुरा यही गाने थी अगर गीत ही गाने हैं ठीक बात है, तो वहाँ उन्होंने क्या दर्ज कर लिया, क्या हासिल कर लिया, वहाँ भी वही है, यहाँ तो बल्कि वो रेस में थे, नाम भी था, वहाँ क्या मिलेगा। तो आपके हिसाब से मान ले तो हुड्डा गुट पूरा प्रभावी रहेगा निसंदेह, इसमें कोई दो राय। शैलजा, रणदीप और बीरेंद्र सिंह बड़े नेता है, ये अपने अपनी जगह पे है, ठीक है। अगर टिकट का रेशियो सोचें सुरजेवाला जी, टिकट का रेशियो की बात जहाँ तक है, दो इंस्टांस मुझे बड़े अच्छी तरह याद आते हैं, 1968 और 2005। उस वक्त इंदिरा जी थे जी 1968 में, और इस वक्त हमारी सोनिया जी थी, उस वक्त भगवत दयाल जी थे और चौधरी रणबीर सिंह थे। इस बार 2005 में भजनलाल जी थे और हुड्डा साहब थे, भूपेंद्र हुड्डा जी थे। उस वक्त इंदिरा जी बिल्कुल चाहती थी चौधरी रणबीर सिंह को मुख्यमंत्री बने, और लगभग तय था, हो चुका था फैसला, लेकिन उस वक्त चाहे देवीलाल और भगवत दयाल जी ने मिलकर गुलजारी लाल नंदा का साथ पकड़ा, और इंदिरा जी को
मजबूर कर दिया कि बहुमत, बहन जी बहुमत के हिसाब से, तो बहुमत की वजह से वो इंदिरा जी को झुकना पड़ा। लेकिन 2005 में सोनिया जी ने वो बात को कबूल नहीं किया, हालांकि बहुमत तो भजनलाल जी के पास था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुमत कब किसदर हो, और कैप्टन साहब के पास बहुत कुछ था पंजाब, मतलब ये उदाहरण है। हाँ नहीं नहीं, ये उदाहरण है, कैप्टन साहब का देख लीजिएगा। हाँ, चन्नी को जब बनाया गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चन्नी के पास कौन सा बहुमत था? बिल्कुल, बीजेपी सारा ही बना रही है बगैर बहुमत के बना रही है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है इसमें तो। लेकिन जहाँ तक है, भूपेंद्र हुड्डा जी को इग्नोर नहीं कर सकते, प्रभावी नेता हैं पूरी तरह से, नहीं किया जा सकता। सुरजेवाला जी, तो कांग्रेस की बात हुई जी। अमित शाह ने अभी जो रविवार को इनकी बैठक हुई पंचकुला में जी, उसमें साफ शब्दों में नेता घोषित कर दिया, चेहरा घोषित कर दिया नायब सिंह सैनी को। बिल्कुल। कितना फ़ायदा होगा बीजेपी का उसका या नुकसान होगा? कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास पहले ही इन्होंने ये, दरअसल बीजेपी जो पिछले दिनों से चुनाव लड़ रही है, जो आपने कहा ना कि जो संसद का जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट के, उसमें स्थानीय मुद्दे थे, मुद्दा नेशनल या इशू कोई था नहीं। मैं तो ये कहता हूँ इनके पास कोई मुद्दा था ही नहीं। राष्ट्रीय मुद्दा क्या था? ठीक बात, बिल्कुल। मंदिर कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, धारा 370 थी, उसको कब तक बनाएंगे? और क्या मुद्दा है भाई? अब तो मुद्दा यही रह गया था जात बिरादरी के ऊपर चुनाव लड़ना। हरियाणा में ये साफ तौर पर कह रहे हैं भाजपा ने तो किया हुआ है कि भाई जातीय समीकरण पर चुनाव की वो, उन्होंने एक अपनी पृष्ठभूमि या जो भी है रूपरेखा वो तैयार की हुई है, उन्होंने जात बिरादरी के ऊपर चुनाव लड़ना है। आखिरी सवाल पे आने से पहले मैं एक सवाल और आपसे करता हूँ जी। सुरजेवाला जी, पूरे हरियाणा के अंदर एक बात आती है, अभी आपने कहा कि बीजेपी ने किया हुआ है जी जातिवाद, जाट नॉन जाट, है ना जी? जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे हरियाणा में, मैं आपके से पार्श्व में लेके चलता हूँ जी, कि जाट और नॉन जाट शुरू कहाँ हुआ, देखिए कैसे हुआ? वैसे तो हमेशा रहा है। हाँ। पर जो अगर आज की बात करें वर्तमान की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पार्ट टर्म टू था, जो जी टर्म टू की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने अंतिम जो उनका दौर था सरकार का जी, उसमें जाट आरक्षण दिया जी। जाट आरक्षण का मामला कोर्ट में गया जी, कोर्ट में आरक्षण को अमान्य घोषित हो गया जी। मनोहर लाल सरकार तब तक बन चुकी थी जी, तभी से ही शुरू हुआ मैं समझता हूँ, जहाँ तक जाट और नॉन जाट वाला मुद्दा ज्यादा नहीं, देखिए जाट आंदोलन शुरू हुआ, जाट आंदोलन शुरू होने के बाद में वो उसी के बाद ज्यादा उछाल आया ना उसके अंदर सारा। देखिए ऐसा है, ये मुद्दा जात बिरादरी तो हमेशा ऐसे रहा है। लेकिन हम बीजेपी को हम कह देते हैं कि नेहरू जी के समय में भी था, फिर इंदिरा जी ने, जैसे मैंने कहा ना 1968 का मामला, उस वक्त इंदिरा जी ने ये साफ कहा था चौधरी रणबीर सिंह के फेवर में कि भी जाट नेता चाहिए पंजाब में, उन्होंने कहा कि सिख चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल सिख चाहिए, मेजोरिटी जिनकी कम्युनिटी ज्यादा है उसके नेता बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सुरजेवाला जी, एक चीज जरूर बीच में और बात कर रहा हूँ कि नेता वाली बात अलग हो गई। हाँ हाँ, मैं क्या हरियाणा में जाट आरक्षण देना, हुड्डा साहब का जाट आरक्षण लागू करना क्या सही कदम था? एक सेकंड, मैं उस बात पे ही घूम के आऊंगा। जी जी, तो ये बात वहां भी चली और फिर उन्होंने बंसीलाल जी को लेके आए कि भाई मेजोरिटी पार्ट वो जो है एक जाति, उसको भी नाराज करके नहीं चला जा सकता। जी बिल्कुल, तो ये तो चलता रहा। अच्छा, फिर इसको जो देवीलाल जी ने, हरियाणा की जो राजनीति घूमती रही ना जात बिरादरी पे, ये कभी नई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल चलती रही, बिल्कुल। लोग कहते थे कि जाटों के नेता चौधरी देवीलाल और भाई दलितों के चौधरी चांदराम, हमेशा रहा। पंडित भगवतदयाल, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दलित नेता के रूप में कृपाराम पुनिया पैदा किए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, दलित नेता कृपाराम पुनिया को राष्ट्रपति बनाऊंगा, यहाँ तक बातें चली। बिल्कुल चला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पंडित भगवतदयाल, तो ये हमेशा ही रहा, लेकिन उसके बाद जो हवा दी गई ना इस बात को ज्यादा, वो चौधरी भजनलाल के टाइम पे आई। शुरुआत की बात करें जी, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने मोड़ जो दिया, उससे मैं क्या कहूँ, उस क्या शब्द इस्तेमाल करूँ कि दुखी होकर या मजबूर होकर के भजनलाल जी बहुत दिनों तक तो कहते रहे मैं जाट हूँ। बहुत कहा उन्होंने, बहुत कहा, लेकिन उनकी बात को चौधरी देवीलाल जी ने लोगों के गले में उतरने नहीं दिया। आखिर
फिर भजन लाल जी ने फिर ये रास्ता अपनाया कि लोन जाट को उन्होंने साथ मिलाया जी, और उन्होंने खुल के इस बात का भरपूर फायदा उठाया। चौधरी भजन लाल तो पंजाबियों में जाते थे तो कहते थे मैं तो पंजाबी हूँ, मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ। वो अगर मुस्लिम समाज में जाते थे तो कहने लगे तुम भी दफनाए जाओगे, मैं भी दफनाया जाता हूँ। मतलब भजन लाल तो नहीं, वो सॉफ्ट थे, ऐसे नेता बन गए थे कि उनकी ऐसी बातें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल, एनी हाउ कि ये उनके समय से ज्यादा शुरू हो गया था, फिर बीच में ये कुछ कम हो गया जी। जहाँ तक हुड्डा साहब का सवाल आया, हुड्डा साहब जिस वक्त मुख्यमंत्री बने बहुत सॉफ्ट, और कोई इनके ऊपर दाग इस तरह का जात बिरादरी नहीं है। बिल्कुल, इनके पिताजी ने कभी अपने आप को चरणवीर सिंह ने हुड्डा लिखा ही नहीं जी, तो इनका कोई ऐसा नहीं था। एक स्टेटमेंट जरूर उन्होंने कहते हैं दिया कि मैं पहले जाट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, ये हर कोई मुख्यमंत्री कह देता है। हाँ। और ऐसी स्टेटमेंट माने बेमाने रखती है। जो नहीं कहता, मैं आपको बीच में उदाहरण दे दूं एक, मनोहर लाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने हाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे पीछे खट्टर मत लिखो, मनोहर लाल लिखो खाली। नहीं, मैं बताता हूँ सर, 2019 में उसका खामियाजा उनको थोड़ा सा भुगतना पड़ा, 2019 के बाद वो खट्टर हो गए, फिर लिखना हर जगह मनोहर खट्टर लिखा जाता है। हाँ, उन्होंने मना नहीं किया, हालांकि नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने अपनी जो सेक्रेटरिएट में नेम प्लेट थी ना उसमें से हटा दिया था, सिर्फ मनोहर लाल था। बिल्कुल बिल्कुल सही था, बाद में उन्होंने किसी को खट्टर कहने से मना नहीं किया, नहीं किया, और वो फिर खट्टर मत कहो ऐसा नहीं कहा। आज भी वो मनोहर लाल के नाम से नहीं, खट्टर साहब के नाम से। और जबकि मुझे ध्यान है कि 2014 में सरकार बनने के बाद कुरुक्षेत्र में एक सभा हुई थी, हाँ उन्होंने कहा, पंचनाथ समारोह था, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई मेरे नाम के साथ खट्टर ना लगाओ। नहीं, उन्होंने हटा दिया था, नेम प्लेट ही वाइप आउट कर दी थी वहाँ से, बिल्कुल मनोहर लाल। हाँ, हाँ, हाँ। ये बिल्कुल दुरुस्त है। एनी हाउ, अब भूपेंद्र हुड्डा जी के समय में जाट आरक्षण आया, ये उस वक्त समय की मांग थी, और हरियाणा में बहुत इस बात का वो चला हुआ था, क्योंकि यूपी के अंदर राजस्थान में मिल गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया क्या था। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, केवल राजनीतिक फायदे के लिए जी ये आरक्षण वाली बात चलाना कितना वाजिब है? देखिए, अगर बात करें तो मैं तो आरक्षण के मामले को मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। नंबर ये तो होना ही नहीं। सवाल में सवाल जोड़ रहा हूँ, क्या हरियाणा में जाट समाज को आरक्षण की जरूरत थी? ये बहुत बड़ा एक वो टॉपिक है जिसके बारे में मैंने तो एक ही कहा कि मैं तो आरक्षण के मामले को पसंद ही नहीं करता। तीसरी बात आती है जी, अगर जाट आरक्षण से ही फायदा होना था तो हुड्डा साहब को तो कोई फायदा हुआ नहीं, पॉलिटिकल फायदा कोई नहीं हुआ उनको। उनको इसलिए नहीं हुआ ना कि एक तो वो उलझा हुआ सा कानून था, और उसका 10% का था, और उसका कोर्ट ने नहीं माना। अब एक बात को ये भी तो देखिए, उसके साथ जोड़ के बीजेपी ने खुद हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने कहा कि आरक्षण इनको मिल के रहेगा, और हमारे अमित शाह ने कहा है जब उनके साथ एक डेलीगेशन मिला दिल्ली उनके निवास जाट समाज का, हाँ उनमें खुल्लम खुल्ला कहा कि ये तो मिलकर रहेगा, ये तो देना है, ये तो आपका है, ये तो आपको मिलना है। और उस वक्त के प्रभारी जो थे हमारे मिस्टर जैन, वो तो खुल्लम खुल्ला कहा करते मिल चुका है, दे चुके हैं, ये तो मिलना है, ये तो हो चुका है। तो ये ऐसा क्यों था? ये एक पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए, दूसरों को वो करने के लिए, उनका मन अपने प्रति जीतने के लिए, हम इसको यहाँ समेटे इस बात को जी कि आज सैनी साहब भी कह रहे हैं फायदा लेने के हम ओबीसी को और उनको हम आरक्षण देंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन ये है गलत, फायदे के लिए जातिवाद की आग में धकेला जाता है, चाहे कोई पार्टी कोई भी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल कोई भी हो, उसका बेनिफिट उसको कितना मिलता है नहीं मिलता ये जनता के विवेक पे होता है। मिलता जब ही धकेलते हैं ये लोग जी, ये हमारे लोग भोले हैं और इस बात का बहक जाते हैं, इस बात में आ जाते हैं जी, ये तो मिलता ही रहा है। आज अगर इसी बात पे अगर लेके चले तो बीजेपी तो अब खुल्लम खुल्ला ये कह रही है कि जो प्रचार हुआ संविधान में संशोधन हो जाएगा, उससे जो हमारा दलित समाज है उसके अंदर एक डर बैठ गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा इसलिए हमें वोटें नहीं मिली। तो ये तो हर जगह है ये आरक्षण की बीमारी। चलिए अंतिम सवाल पे आते हैं जी, हरियाणा में क्या लगता है कैसा मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? देखिए, हालात मैंने शुरू में कहा था कि जो आईना तो ये बताता है कि हवा कांग्रेस की तरफ बह रही है। दो चीज़ें इंडिकेट करती हैं, एक तो जो वोट परसेंटेज है वो नेचुरल है, इंक्रीज हुआ बात कांग्रेस का, नहीं इंक्रीज नहीं, इनसे बेहतर है, बड़ा भी है, इनसे ज्यादा भी है,
ज्यादा है, 47% इनकी 40 सीटें हैं, वो 44 पे आए हैं जी। तीसरा इनका मार्जिन जो है ना वोटों का, विनिंग इनकी 47 है इंडिया गठबंधन की, वो 43 पे, 44 पे कांग्रेस, 3 पे आम आदमी पार्टी और 43 पे बीजेपी। 47-43 लगा जी, वो भी ज्यादा है ना जी। अब रहा मार्जिन की बात, देखिए बीजेपी का कोई भी आदमी, एक खट्टर साहब 2 लाख से जीते, जबकि कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट जीतने वाले उनकी वोट वो ज्यादा मार्जिन से जीते हैं। नहीं देखिए, दीपेंद्र 3.5 लाख से जीते जी, और शैलजा जी 2.5 लाख से जीती, 2,68,000 लगभग, 2,68,000 जी। मनोहर लाल 2 लाख प्लस से जीते, 2,18 या समथिंग, और कृष्णपाल गुर्जर 2.5 लाख से जीते लगभग, 1,68-1,70 जीते जी। और अगर आप बीजेपी कांग्रेस में आ जाओ तो बाकी सबका मार्जिन तो यही है, 20-21 हज़ार से जीते सोनीपत वाले, हाँ, और उसके बाद लगभग 60 हज़ार से जीते जेपी, हाँ 65 हज़ार समथिंग, 60-65 हज़ार से जीते जेपी लगभग, और तीसरी सीट जो वरुण मुलाना की लगभग 45 हज़ार से जीती, तो फिर भी इनका बेटर है। और जो बीजेपी के जीते नवीन जिंदल जीते लगभग 70 हज़ार से, कम है शायद, 68-70 ही है लगभग, कम है मेरे ख्याल, चलिए कम होगा थोड़ा सा, मुझे ही लगता है कम है, 75 हज़ार से लगभग जीते ये रविंद्रजीत सिंह अपने, हाँ वो, और जो बीजेपी की जो 5वीं सीट जीती वो मार्जिन कम रहा थोड़ा सा उनका भी, चलिए ये तो फिर भी लगभग बहुत बड़ा कांटे की रही फाइट, ये तो कह सकते हैं। तो देखिए 47 और 43 में कितना फर्क है, बिल्कुल, वोट और 47 में 2 वोट से जीती है कोसली सीट दीपेंद्र हुड्डा, केवल 2 वोट से जीती तो है, जीती है बिल्कुल, जीत तो चाहे 1 वोट की हो, मतलब ये मान ले अगर, मतलब अब हम ये कह सके ऑन एज हैं दोनों। तो रहा जहां तक सवाल है कि पार्लियामेंट का जो चुनाव जी, उसमें लोगों को ये रहा, जैसा आपने शुरू में ही कहा था कि राष्ट्रीय मुद्दे, और राष्ट्रीय मुद्दे में जैसा एक और आपने जोड़ दिया कि मोदी जी थे, तो लोगों का ये था, बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा ही मोदी है आज संसद में, आज भी बीजेपी का मुद्दा मोदी है, चलिए जो भी है वो तो वो जाने। अब रही बात के लोगों के दिमाग में भरम कह लीजिएगा, ये इस बात का किसी तरह का भी वो था कि भाई केंद्र में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनेगी, कई बातों को देखते हुए तो वो बीजेपी के फेवर में था, लेकिन अब विधानसभा में वो बातें नहीं होंगी, स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी होंगे, प्रभावी होंगे, तो उस नाते ये लगता है जो एक आम जन भावना की आवाज़ तो यही है कि भी सरकार तो कांग्रेस की बननेगी जी जी। बाकी ये मैं ये भी कहूँगा कि बीजेपी को इतना हल्का ना लें कि भाई बैठे बैठाए सरकार बन जाएगी या 70-75 सीटें आ जाएंगी या 1987 या 1977 दोहराया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, मतलब ये मान के चलें नहीं, मुकाबले होंगे और कई जगह तो अच्छी फाइट देखने को मिलेगी दोनों पार्टियों के लिए। मैं ये कह दें कि दोनों पार्टियों को बड़ा सोच समझ के चलना होगा, हाँ, तलवार की धार पे हैं बिल्कुल, ना भाजपा कमजोर है ना कांग्रेस मजबूत है, ये कह दें बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही कह दें कि ना भाजपा बहुत कमजोर ना कांग्रेस बहुत मजबूत, बिल्कुल अगर फैसले दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट होंगे, जो अच्छा चुनाव लड़ लेंगे, जातीय समीकरण होंगे, इलेक्शन मैनेजमेंट होगा, ये सब कुछ जो होगा वो ले जाएगा। चर्चा का जो फाइनल निकलता है वो यही है कि ना भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर और ना कांग्रेस बहुत मजबूत, इलेक्शन मैनेजमेंट, जातीय समीकरण, चुनाव में प्रत्याशी, ये तमाम जो पार्टी मैनेजमेंट बेटर कर लेगी वो हरियाणा की जनता के दिल के उतने करीब होती जाएगी, बिल्कुल ठीक बात। 90 दिन के अंदर अंदर विधानसभा के चुनाव लगभग डिक्लेयर हो जाएंगे, हरियाणा के 90 विधानसभा चुनाव हैं, 90 दिन बाकी हैं, प्रयास करेंगे अगले 90 दिनों में आपसे 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा करते चलें कि कहाँ क्या हो सकता है, कोशिश करेंगे, सुरजे महाराज का भी साथ मिलता रहे, बीच में तो नाराज होकर चले जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो नाराज आगे तो। कोशिश करेंगे कि हरियाणा के हर विधानसभा सीट के बारे में आपसे बात करें, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना, नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।